कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। खड़गे ने की गृह मंत्री से राहुल गांधी की सुरक्षा की मांग। असम सरकार द्वारा बनाए गए डर और धमकी के माहौल पर जताई चिंता। राहुल गांधी सहित यात्रा में शामिल लोगों की सुरक्षा की मांग। राहुल गांधी की सुरक्षा में असम पुलिस पर लापरवाही के लगाए आरोप। तो खड़गे ने राहुल गांधी की सुरक्षा की मांग की है। गृह मंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने राहुल गांधी सहित जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है इस यात्रा में शामिल, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल, उन सभी के लिए जो है गृह मंत्री से सुरक्षा की मांग की है। असम सरकार को पर उन्होंने डर और धमकी के माहौल बनाए जाने के आरोप लगाया है। साथ ही असम की पुलिस पर भी लापरवाही के खड़गे ने आरोप लगाए हैं। तो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिंता जताई है और इसी को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान जुड़ गए हैं। अजय, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के सुरक्षा को लेकर जो है गृह मंत्री को पत्र लिखा है, उन्होंने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, क्या जानकारी है? जो भी देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जब आसाम बॉर्डर पर पहुंचे आसाम के प्रेसिडेंट की, तो वहां पर आरोप लगाए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो कांग्रेस के महासचिव है जयराम रमेश, उन पर हमला किया गया, उनकी गाड़ियों पर और जो उनके बैनर था उनको तोड़ा गया। तो इसको लेकर के जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सीधा अमित शाह से राहुल गांधी की सुरक्षा से बात की और सुरक्षा मांगने की बात कही, क्योंकि उससे पहले उनके पास जैसी सुरक्षा थी लेकिन वो जैसी सुरक्षा आसाम आना चाहती थी लेकिन वहां पर नहीं आने दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है राहुल गांधी की रैली जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है इसमें कहीं ना कहीं घपला होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से महासचिव पर हमला किया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया और जो उनके काफिले पर हमला किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, तो कहने के उनकी सुरक्षा में चूक हो सकती है। इससे पहले भी कई ऐसी बातें सामने आई कि राहुल गांधी खुद वीवीआईपी सुरक्षा छोड़कर आम लोगों में चले आते हैं, वहां भी चूक हुई है, लेकिन इस तरह से जो यात्रा निकाली जा रही है इसमें कहीं ना कहीं राजनीति सामने आई है। अब देखना यह होगा कि असम पुलिस लगातार उनकी सुरक्षा में है, साथ में क्या अमित शाह को लेटर लिखने बाद जैसे सुरक्षा उनको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जी, असम सरकार द्वारा जो है डर और धमकी का माहौल जो है बताया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, क्या है इसके पीछे की सच्चाई? बिल्कुल, जो भी देखिए, अगर बात करें असम और असम में बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस से लिखा पर थी लेकिन लगातार बीजेपी राज्य में आने के बाद यात्रा में कहीं ना कहीं घपला ना हो, कहीं चूक ना हो, उसको लेकर के अमित शाह को लेटर लेगा कि अगर हम यहाँ पर कोई घपला होता है या ऐसे हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो देखिए, पूरी कार्यकर्ताओं की पूरी रैली की जिम्मेदारी अब अमित शाह को सौंप दी गई है कि हमें पूरी सुरक्षा दी जाए ताकि आसाम से हमारी जो न्याय यात्रा आसानी से निकल पाए। जी, उन्होंने पुलिस पर भी जो है लापरवाही का आरोप लगाया है कांग्रेस अध्यक्ष ने। देखिए, कांग्रेस के बार बार बयान भी आते हैं, कई ऐसे सवाल सामने आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के भाई यहाँ पे सुरक्षा डीजी है, उनकी देखरेख में सारा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी उन्हीं के परिवार का है और यहाँ की जो सुरक्षा वो भी उन्हीं के परिवार की है, तो हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, अगर कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो देखिए, इसमें सीधा अमित शाह को, जो कि राज्य की जिम्मेदारी होती है, रूट मैप तैयार किया जाता है कि कहाँ से रास्ता निकलेगी और क्या सुरक्षा दी जाएगी। तो ऐसे में जो हमला हुआ है जयराम रमेश जी, उसको लेकर के ये सबसे चिंताजनक है कि कहीं राहुल गांधी की चूक सुरक्षा में या चूक के बेड़े में कोई ऐसा हादसा ना हो बीजेपी कार्यकर्ता माना पहुंचे। तो देखिए, पहले ही उन्होंने आगाह किया कि हमें सुरक्षा दी जाए ताकि हम आसाम से बीजेपी राज्य है वहां पर कोई घटना ना घटे और यात्रा निकाल सके। जी, अगर हम राहुल गांधी की बात कर ले तो वो तो ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री के यानी अमित शाह के इशारे पर ही जो ये सारे हमला कराए जा रहे हैं। देखिए, 2024 का मुद्दा है, जो भी लगातार राजनीति गरमाई हुई है, सबसे दल की बात कर ले, कई दल बाहर है, कई दल अंदर है, कई शोक इनके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को या कोई भी पार्टी हो एक दूसरे को बयानबाजी करती है, लेकिन पुलिस का जो नियम होता है, पुलिस का जो सिस्टम होता है, वो सुरक्षा देना होता है ताकि कोई भी चूक ना है, क्योंकि इस समय राहुल गांधी न्याय यात्रा पे है और बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में चाहे किसी भी राज्य की सरकार को ना, चाहे किसी की पार्टी सरकार को ना है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो तत्व होते हैं, कुछ उदंग लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें कर जाते हैं ताकि पार्टियों को बदनाम किया जाए या पार्टी में कोई घपला हो, ऐसी स्थिति में देखिए आसाम पुलिस और सीएम की ओर से बयान आया कि ऐसा कोई घटना सामने नहीं आएगी ना ही होगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं सुरक्षा की या उनको जेल सुरक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अभी अमित शाह के लेटर के बयान के बाद ही सामने इस पर छुपाएगा।
जी खबर ये भी है कि जेड प्लस सुरक्षा के बावजूद जो है वहाँ की जो पुलिस है, राज्य की पुलिस, वो इनको लेकर जो है आनाकानी बरत रही है, इनको लेकर लापरवाही अपनी दिखा रही है। देखिए अब ये तो हम जानते हैं ना, कोई जानता है, ये तो वहाँ की पुलिस जानती है। अगर बयान आती है और जेड सुरक्षा पुलिस जब होती है तो पूरी व्यवस्था तैयारी रहती है ताकि उसके बाद कोई भी व्यक्ति आ नहीं पाएगा जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी। तो ऐसे में बयानबाजी करना कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस लगातार घेरती नजर आती है और देखते यही होगा कि आखिरकार जो सुरक्षा में चूक होगी या नहीं, इसको संज्ञान लिया जाएगा। जिन लोगों ने इस तरह घटना की है उन पर FIR भी की जा रही है, यानी कहीं ना कहीं जो उधर लोग थे जो उन्होंने गाड़ी पे हमला किया, उनके बैनर फाड़े, उन पर असम पुलिस एक्शन ले रही है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार कांग्रेस वहां से किस तरह से अपने बयानबाजी या न्याय यात्रा निकालती है। जी खड़गे ने यह भी इस पत्र में दावा किया है कि सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से इस यात्रा को संचालित नहीं करने दिया जा रहा है। यात्रा को लेकर जो है सरकार कहीं ना कहीं जो अपना रवैया अलग ही दिखा रही है। देखिए यात्रा निकाली जा रही है शांतिपुरा अभी तक वही यात्रा है, लेकिन आसाम में जब एंट्री की गई तो वहां आते ही घटना सामने आने लगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक कई दिन उनकी यात्रा को होगा लेकिन शाम में एंट्री करने के बाद इस तरह की घटना सामने आई। राजनीतिक मुद्दा भी है क्योंकि बीजेपी के तो ट्वीट किया जा रहा है कि कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी मुद्दा 2024 का जो मुद्दा है इसको बनाने चक्कर में, क्योंकि एक तो राम भक्त हमारे बीजेपी ने राम भक्त को राम मंदिर बनाया, वही कांग्रेस लगातार विरोध करते हैं क्योंकि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिन पर राम मंदिर की सिद्धि को लेकर के FIR की गई है। अब देखना ये राम क्योंकि आसाम में बीजेपी सरकार है, अब कहीं ना खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदार आदमी है उन पर ये आरोप लगाने कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि सरकार उस पर क्या फैसला लेती है और क्या हुआ कि पुलिस एक्शन करती है। अजय खड़गे ने ये भी कहा है कि सार्वजनिक तौर पर जो है साक्ष्य मौजूद है हमले में, जो भी लोग आरोपी या जो भी शामिल है, बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए उधर से जो आसाम पुलिस अब भी ट्वीट किया गया है कि उन्होंने FIR की गई, जिस अप्लाई किए गए हैं, जो वीडियो है वो भी सामने आई है, लेकिन अब लगातार उसमें जो सुरक्षा का सवाल है कि उनको जेड सुरक्षा दी जाए या उनकी जो काफिला का पुलिस जो काफिला के लोग है उनको सुरक्षा दी जाए ताकि शांतिपुर आसाम से, क्योंकि आसाम में कई घटनाएं ऐसे सामने आती हैं क्योंकि छोटी छोटी घटनाओं पर वहां पर काफी हंगामा कट जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो लगातार अब राजनीति है ये सामने नजर आ रही है, देखना यही होगा कि वहां के DG जो है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो क्या इस पर एक्शन लेते हैं और अमित शाह से क्या उम्मीद है, वो क्या उनका जवाब देते हैं। जी एक तरफ तो है कांग्रेस जो है असम सरकार द्वारा बनाए गए डर और धमकी की बात कर रही है, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल देखिए जो अध्यक्ष है वो डरते नजर आते हैं, लेकिन राहुल गांधी है सीना तान का छोड़े चल रहे हैं। लगातार ऐसी सर्दियों में जो घर से नहीं निकलते लोग, लेकिन उनके साथ जो काफिला है वो काफी मात्रा में साथ है, राहुल गांधी साथ चल रहे हैं, डरने की बात नहीं। लेकिन वही सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से जयराम जो रमेश के ऊपर हमला किया वो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है, क्योंकि उनकी काफिले पर हमला किया गया, उनके बैनर तोड़े गए, गाड़ियां तोड़ी गई, तो उसमें पुलिस जो आसाम पुलिस है वो पूरा काम कर रही है, उसमें हमारी गई, उन्होंने गिरफ्तारी भी की गई है उसके अंदर। क्या लगता है गृह मंत्री की ओर से क्या इस पर प्रतिक्रिया सामने आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो है गृह मंत्री पर भी राहुल गांधी जो है निशाने साध रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम, उनकी सुरक्षा को लेकर जो है पत्र भी लिखा है। देखिए अमित शाह इस पर एक्शन लेंगे, हेमंत सोरेन से बात की जाएगी, लगातार जो हमले किए गए उस पर संज्ञान लिया हुआ है, कौन कौन दोषी होगा उस पर कार्रवाई की गई है, अभी कुछ लोगों पर अभी डिटेन भी किया जा रहा है और जो इसमें सत्य हो सामने आएगा। अमित शाह हो या जो आसाम के मुख्यमंत्री है वो उस पर एक्शन ले रहे हैं और जो DG है वो सुरक्षा लगातार बढ़ा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार ये राजनीति कब तक चलती रहेगी, कब तक नहीं होगी, लेकिन जो सुरक्षा है, जो बयानबाजी आ रही है पुलिस की तरफ से और वहाँ के मुख्यमंत्री से, तो यही है कि लगातार उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, कहीं ना कहीं ये लापरवाही थी, लोगों को डिटेन कर दिया गया जिन लोगों ने इस तरह से हमला किया था। जी अजय बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।